हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नए साल में नया कॉम्बिनेशन लेके आ चुका हूँ, स्नाइपर कॉम्बिनेशन। तो आज मैं तुम्हारा भाई स्ट्रोम से को लेके आ चुका है स्नाइपर कैटर कॉम्बिनेशन। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल में न्यू हो देन वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। इसी तरह और भी वीडियो चाहिए देन बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। ओके, स्नाइपर कॉम्बिनेशन नाम सुनते ही दो तीन कैटर याद आ जाता है, जैसे कि लॉरा, राफेल एंड मोको कैरेक्टर। इनका तो यूज होगा बट और भी कुछ कैटर है जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मैं दो कैटर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक सिंगल स्नाइपर कैटर कॉम्बिनेशन होने वाला है एंड सेकंड वन इज डबल स्नाइपर कैटर कॉम्बिनेशन होने वाला है। वेट गाइज, एक और बोनस थर्ड कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्लास स्क्वाड स्नाइपर कॉम्बिनेशन। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए गाइज वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो फर्स्ट सिंगल स्नाइपर कॉम्बिनेशन। देखो जो तीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा उसमें दो कैरेक्टर परमानेंट तीनों कॉम्बिनेशन में रहेगा, एक है मोको कैरेक्टर एंड दूसरा है राफेल कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर का तो एबिलिटी आपको पता होगा, चलो नहीं पता है देन एक और बार मैं बताता हूँ। मोको का एबिलिटी है अगर तुम एनिमी को डैमेज देते हो, थोड़ा सभी डैमेज देते हो, देन एनिमी के ऊपर एक टैग शो करेगा, 5 सेकंड से 11 सेकंड के बीच ये टैग शो करेगा और ये टैग तुम्हारे टीममेट को भी शो करेगा। जो मोको कैरेक्टर है वो M82B स्नाइपर के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। देन एक और कैरेक्टर है राफेल, जो स्नाइपर में ऑटोमेटिक साइलेंसर का काम करता है, लेकिन एक और एबिलिटी है राफेल कैरेक्टर का, एनिमी को नॉक करने से 90% फास्ट किल कंफर्म हो जाएगा। मोस्टली स्नाइपर प्लेयर लॉन्ग डिस्टेंस से नॉक निकालते हैं बट किल कंफर्म नहीं हो पाता है, बट राफेल को यूज करने के बाद स्नाइपर प्लेयर का ये दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। एक और बात है गाइस, अगर तुम सोलो खेल रहे हो देन राफेल कैटर बिल्कुल भी यूज मत करना, और अगर स्क्वाड खेल रहे हो देन सियोर यूज करो, स्क्वाड डुओ में यूज कर सकते हो। ओके, एक और बात है गाइस, तुम अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुम राफेल कैटर को यूज कर रहे हो देन स्नाइपर में साइलेंसर कभी भी यूज मत करना। मजल लेवल 1, 2, 3 कुछ भी यूज करो बट साइलेंसर यूज मत करना। क्यों, रीजन जानना है देन आई बटन में लिंक दे दिया हूं, जाके देख लो। ओके, अभी मोको एंड राफेल कैटर हमारे तीनों कॉम्बिनेशन में परमानेंट जगह बना चुके हैं, तो अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन सिंगल स्नाइपर कैटर कॉम्बिनेशन। ऑलरेडी हमारे पास दो कैटर है और हमें दो कैटर चाहिए, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव स्किल में उकोंग कैटर एबिलिटी बूस्ट बन जाता है 15 सेकंड के लिए। उकोंग कैटर को मैं इसलिए यूज किया हूं क्योंकि स्नाइपर से डैमेज देने के बाद बूस्ट में कन्वर्ट होके एनिमी के ऊपर तुम रश कर सकते हो SMG गन से या फिर शॉट गन से, और तुम बूस्ट में से भी स्कोपिंग करके एनिमी के ऊपर आराम से एम लेके मार सकते हो एनिमी को, गाइस पता भी नहीं चलेगा एनिमी को, इसीलिए एक्टिव स्किल में उकोंग कैटर को यूज किया हूं। अब मैं इस कॉम्बिनेशन को और भी तगड़ा बनाने के लिए इसमें एक HP देने वाला पैसिव कैटर को यूज कर रहा हूं, जोटा, जो HP प्रोवाइड करता है। स्नाइपर से अगर तुम एनिमी को एक भी फटका मारते हो देन तुम्हें 10 HP मिलेगा और नॉक करने से अलग 40 HP मिलेगा, और अगर तुम शॉर्ट गन या फिर SMG गन या फिर तुम AR गन किसी से भी मारते हो, एनिमी को नॉक करते हो देन उसमें भी अलग HP आप लोगों को मिलेगा। सो गाइस ये तो था सिंगल स्नाइपर कॉम्बिनेशन, जो बंदे सिंगल स्नाइपर यूज करते हैं उनके लिए था गाइस। एक्टिव में उकोंग एंड तीन पैसिव कैरेक्टर राफेल, मोको एंड जोटा कैरेक्टर। आप लोग एक काम कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन को यूज करके बताओ कि कैसा लगा। देन नेक्स्ट सेकंड डबल स्नाइपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, इसमें भी ऑलरेडी दो पैसिव कैरेक्टर है, एक मोको एक राफेल कैरेक्टर। तो एक्टिव में क्रोनो या फिर तुम के कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, दोनों अपने जगह बेस्ट है। क्रोनो एक कवर देगा, एक क्लिक में 360 एंगल से प्रोटेक्शन मिलेगा। वहीं बात करते हैं के कैरेक्टर अनलिमिटेड HP प्रोवाइड करेगा पूरे मैच में, HP का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास मेडिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है फिर भी आपको HP का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको के कैटर यूज करना चाहिए। ओके, देन पैसिव कैटर में मारो को यूज किया हूं, जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना डैमेज इंक्रीज होगा अप टू 25% तक, और हमारे पास ऑलरेडी मोको कैटर भी है तो 3.5% डैमेज इंक्रीज होगा मार्ड एनिमी के ऊपर। तो गाइस मारो कैटर को यूज करने से टोटल 28.5% डैमेज इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा डबल स्नाइपर कैटर कॉम्बिनेशन, एक्टिव स्किल में के एंड पैसिव स्किल में गाइस मारो, मोको एंड राफेल कैरेक्टर। देन चलते हैं हमारे लास्ट एंड बोनस कॉम्बिनेशन, क्लास स्क्वाड स्नाइपर कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्किल में हुमर कैटर, इस कैटर को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा भी खाना खाने से लूज मोशन हो जाता है, ठीक उसी तरह इसका एबिलिटी है, अच्छे अच्छे प्लेयर का लूज मोशन करवा देता है, मतलब
हालत खराब कर देता है। हूमर का एबिलिटी एक ड्रोन क्रिएट करता है 100 मीटर डिस्टेंस के अंदर, जो भी फर्स्ट एनिमी होगा उसके ऊपर जाके ये ड्रोन ब्लास्ट हो जाएगा। उस एनिमी को 25 का डैमेज लगेगा और 5 सेकंड के लिए एनिमी का 60% मूवमेंट स्पीड रिड्यूस हो जाएगा एंड 35% रेट ऑफ फायर मींस फायरिंग रेट जो गन का होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास इतना ज्यादा मौका हो कि एनिमी को इजीली तुम डाउन कर सकते हो। देन पैसिव कैरेक्टर में हमारे पास ऑलरेडी 2 कैरेक्टर है, मोको एंड राफेल। तो थर्ड कैरेक्टर है केली और इलाइट केली, जो स्पीड प्लस डैमेज दोनों इंक्रीज करती है। सो ये था क्लास स्क्वाड स्नाइपर कॉम्बिनेशन, हूमर, मोको, राफेल एंड लास्ट केली कैरेक्टर। सो गाइस अगर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ और कॉम्बिनेशन यूज करो। 2-3 मैच थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि आप लोग स्कूल से कॉलेज जाते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, न्यू फ्रेंड बनाना पड़ता है, ठीक वैसे ही होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस कॉम्बो को यूज करते रहो, देखना मजा आएगा। तो आज के लिए बस करते हैं, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। याद से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा में जाके फॉलो भी कर लेना गाइस। ओके।